नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो का प्रस्तावित बंद 8 सितंबर को आज इनेलो प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य की बैठक के बाद में अभय सिंह ने घोषणा करते हुए कहा, इनेलो ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद में 18 अगस्त को प्रस्तावित बंद को स्थगित कर दिया था, क्योंकि वाजपेयी जी के साथ में चौधरी देवीलाल ने लंबे समय तक किया था काम। उन्होंने कहा कि इनेलो को सत्ता मिली तो वाजपेयी जी के नाम पर प्रदेश में एक बड़ा प्रोजेक्ट आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री की नशा विरोधी बैठक पर कसा तंज। उन्होंने कहा कि 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने की बात थी, केवल 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ही पहुंचे। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। उस योजना का नाम 100% अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रख करके देश को समर्पित करने का काम कर रहा है। मैंने सरसा जिला के SP को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ पे कहा, विधानसभा में मैंने कहा, मैंने बाई नेम बताया कि मेरे जिले में कौन कौन व्यक्ति इस ड्रग के काम में इन्वॉल्व है। उनमें से कई लोग पकड़े भी गए, लेकिन अब तक जो एक्चुअल जो मुजरिम है इस काम के, उन पर आज भी हाथ नहीं डाला गया। जो सप्लायर हैं बड़े, जो ला करके इसकी सप्लाई करते हैं, उन पर हाथ डाले। चौधरी देवीलाल को हमेशा अपने से बड़ा मान करके सम्मान देने का काम किया, इसलिए हमने ये फैसला लिया था उस दिन कि हम अपने बंद को पोस्टपोन कर रहे हैं। हमने पोस्टपोन करके आपसे ये बताया भी था कि अगली तारीख की घोषणा भी हम जल्दी करेंगे। आज प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग के अंदर सबसे सलाह मशवरा करके फिर से ये तय कर लिया कि 8 सितंबर को जहां चौधरी देवीलाल का निमंत्रण घर घर जाकर के हमारी पार्टी के कार्यकर्ता देंगे, वहीं उसके साथ साथ 8 तारीख के बंद के लिए भी एक एक दुकान पे जाकर, एक एक रेडी वाले से मिलकर, एक एक शोरूम वाले से मिलकर के आग्रह करेंगे कि आप हरियाणा प्रदेश की, आज प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें जो अनदेखी कर रही, खास करके SYL का इशू, दादूपुर नलवी नहर का मामला, मेवात कैनाल, जिससे हरियाणा प्रदेश के किसान को एक बड़ी खुशहाली मिलनी थी जिस पानी की वजह से, आज उस किसान को उजाड़ने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार ने एक सोची समझी योजना के तहत उसको टालने का प्रयास हो रहा है। उसके लिए हमने पूरे प्रदेश के हर नागरिक से, आपके माध्यम से भी, एक इश्तेहार के माध्यम से भी, एक कार्यकर्ता को भी